कोरोना वायरस महामारी का सामना इन दिनों भारत समेत पूरी दुनिया कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 6,767 नए मरीज सामने आए हैं और 147 लोगों की मौत हुई है। अब भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,31,867 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 3,867 तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि 54,447 लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 41.28% पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। यहां कोविड 19 के कुल 47,190 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जो किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा अधिक हैं। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 1,577 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना की सबसे अधिक मार तमिलनाडु में ही देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 15,512 हो चुकी है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली और गुजरात भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं।